वेलकम बच्चों। देखो बच्चे, आज तुम्हारे लिए मैं चेन रूल बिल्कुल आसान बनाने वाला हूँ। क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, होमवर्क भी दूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात सुनो। जितने भी ये फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स की क्लासेस चल रही हैं, मैथ्स में जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो 1-1.5 साल में ये सब चीज़ें पढ़ ही लेंगे। एक मेरा सवाल है, 1-1.5 साल तक क्या फिजिक्स नहीं पढ़ोगे? फिजिक्स तो पढ़नी है। और हाँ, मैथ्स में इनको फिजिक्स में यूज कैसे करना है वो नहीं सिखाया जाएगा, तो वो मैं ही सिखाऊंगा। और बायो वाले बच्चे एक भी सिंगल क्लास मिस मत करना, क्योंकि मैं बस ये मैथमेटिकली नहीं करवा रहा, मेरे को तुम्हें डीपली समझाना है कि भाई फिजिक्स में इनको यूज करना कैसे है। ठीक है, चलो अब सर टाइम वेस्ट मत करो, चेन रूल समझाओ। तो देखो भाई, ये क्या है, ये 3 एग्जाम्पल हैं और कुछ नहीं है। कभी तुम सोचो हाँ इससे कुछ लेना देना है, एग्जाम्पल्स हैं ये, अब इन पे आते हैं। सबसे पहले सर, चेन रूल कौन से फंक्शंस में यूज होता है? फंक्शन अगेन, मैंने ये 3री क्लास है अब तक फंडामेंटल्स की, पहली क्लास में मैंने सब डिटेल में बताया था, वो देख लेना डिस्क्रिप्शन में, मैं डाल दूंगा, पहली दोनों क्लास ही मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब बच्चों फटाफट आ जाओ। हाँ सर, देखो जो कंपोजिट फंक्शन होते हैं ना, अगेन कंपोजिट फंक्शंस, उनमें अप्लाई होता है चेन रूल। अब कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं, सबसे पहले ये बताना जरूरी है। देखो बच्चे, लेट्स से ये 3 फंक्शन है, अगर मैं आपको बोल दूं एफ एक्स, बोलोगे सर ऊपर लिखा है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं एफ ओ जी, ये एफ ओ जी कंपोजिट फंक्शन है, इसका मतलब ये है एफ एक्स इन टर्म्स ऑफ जी एक्स। अब ये देखो, सबका वेरिएबल एक्स है, तो मेरे को ना एफ एक्स लिखना है। एफ एक्स कितना, साइन एक्स, साइन, लेकिन एक्स को हटा के पूरा का पूरा जी एक्स को डाल देना है, इसको पूरा डाल देना है, ये होगा एफ ओ जी। सिमिलरली अगर मैं लिखना चाहूं ना एच ओ जी, तो देखो लॉग, अब देखो क्या लिखा है एक्स, तो उधर पूरा का पूरा ये फंक्शन रखना है कंप्लीट। हाँ जी, इतना क्लियर हुआ? बिल्कुल सर, इन्हीं सभी को कहते हैं कंपोजिट फंक्शंस, इन सब में ही चेन रूल लगाना है। अब सर देखो, लेट्स से आपको लिखना है ना एफ ओ एच ओ जी। अब देखो बच्चे, चलो मैं एक चीज और बताता हूं। देखो चेन रूल जब आप अप्लाई करते हो तो आप स्टार्ट से इधर से शुरू करते हो, बोलोगे सर एफ ओ एच ओ जी ये सब लिखा होता है, नहीं वो मैं समझाऊंगा अभी कैसे। लेकिन जब आप फंक्शन को बना रहे हो, बोलोगे सर आप तो मैथ्स पे आ गए, चलो तुम थोड़ा तो सीखो हल्का सा, तो आपको पीछे से स्टार्ट करना है। सबसे पहले एच ओ जी कितना था, लॉग एक्स क्यूब, बिल्कुल सर सही। एक बार मैं बच्चों चेक कर लूं, लॉग एक्स को हटाया जी एक्स, चलो सही लिखा है मैंने। हाँ जी, अब ये देखो उससे पहले है एफ, एफ को लिखो कितना है सर, साइन एक्स की जगह ना अब इस पूरे को रखना है, पूरे के पूरे को, हाँ साइन लॉग एक्स क्यूब। अब असल में ये कंपोजिट फंक्शन 3 फंक्शन से मिलके बना है, 1, 2 और 3। अब समझ में आया चेन रूल किस टाइप के फंक्शंस में यूज होते हैं। अब सर चलो एक काम करो, इसको मिटा दो। अब बोलो सर चेन रूल आप ना एक छोटा सा एग्जांपल देके दिखाओ कैसे अप्लाई करते हैं। चलो अब देखो, एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं डायरेक्ट लिख देता ना टेन एक्स की डिफरेंशिएशन, तो कोई बच्चा बताया था सर sec स्क्वायर एक्स, जिसने क्लासेस ली हैं फॉर्मूले पता है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं अब इधर लिखूंगा टेन 3x। अब मैं बताता हूं देखो क्या करना है। सबसे पहले ना इसके अंदर कितने फंक्शन है ये पता है, नॉन मेडिकल वाले बच्चे तो 1 साल बाद टीचर से भी फास्ट हो जाते हैं इस प्रोसेस में। मेडिकल वाले बच्चे आप फिजिक्स के लायक प्रैक्टिस कर लो, बहुत जरूरी है। होमवर्क भी मैं दे दूंगा 1-2 क्वेश्चन। चलो हाँ सर, अब देखो इसके अंदर ना एक्चुअली 2 फंक्शन है, पहला फंक्शन है टेन एक्स, दूसरा फंक्शन है 3x। विश्वास नहीं हो रहा, लेट्स से एफ एक्स इज इक्वल टू था मेरा टेन एक्स, 3x लिख दिया कोई बात नहीं, जी एक्स इज इक्वल टू था 3x। अब जरा एफ ओ जी करना, तो अगेन इसको हटाओ, इस पूरे को डाल दो, इसकी वैल्यू तो 3x है। बोलोगे सर आप डायरेक्ट भी तो लिख सकते थे एफ एक्स इज इक्वल टू टेन 3x, ज़्यादा गंदी राइटिंग है क्या मेरी, ये टेन लिखा है बच्चे, ठीक है टेन 3x। देखो चक्कर क्या है, इसकी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला किसको पता है, और फर्स्ट प्रिंसिपल लगाओगे। पहली बात तो देखो, बायो वालों का फर्स्ट प्रिंसिपल से कोई लेना देना है नहीं, मैथ्स वालों को साल के 11th के एंड में पता लगेगा मैथ्स में, और कम से कम 15 मिनट ले जाओगे फर्स्ट प्रिंसिपल से इस 5 सेकंड के क्वेश्चन में। चलो सर अब आप टाइम वेस्ट मत करवाओ,
अब देखो बच्चे करना क्या होता है, जो हमारा प्राइमरी फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन कौन सा होता है, अभी मैंने लिखा था ना एफ ओ जी, तो जो लेट से अगर मैं लिख दूं जी ओ एच, ये पहला, उसके बाद ये दूसरा, उसके बाद ये तीसरा। बोलोगे सर ये 1 2 3 क्या है, देखो 1 2 3 का मतलब है सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करोगे, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करोगे, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करोगे। अब चलो सर कर ही दो आप, देखो इसमें पहला फंक्शन बेसिक है मेरे ये, इसकी डिफरेंशिएशन देखो sec स्क्वायर x की जगह ना नॉर्मली जो लिखा है वही लिख दो 3x। और चेन रूल में क्या होता है, देखो 1 2 3 4 कितने भी फंक्शन हो आपको उनकी डिफरेंशिएशन बोले तो डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करते जाओ, बहुत सिंपल है। अब देखो सर sec स्क्वायर x की जगह मैंने लिख दिया 3x, अब 3x की डिफरेंशिएशन वो मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, सिंपल 3, तो आंसर आ जाएगा 3 sec स्क्वायर 3x। कितना तो आसान है ये। हाँ तो बच्चों अभी चिंता मत करो भाई, क्वेश्चन आने वाला है, तुम कहीं मत जाना भाई छोड़ के क्लास को, बहुत कुछ मिस कर दोगे नहीं तो। हाँ जी चलो शुरू कर देते हैं बच्चे इनके सॉल्यूशन। बेटा देखो मैं ज़्यादा कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता बच्चों को, तो पहले का सॉल्यूशन करते हैं। देखो मैं कोई ये डी बाय डी एक्स एक बार चलो लिख देता हूँ बच्चों की तसल्ली के लिए, बार बार ये सब लिख के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सिंपल एरो डालता जाऊँगा, एक बार देख लो भाई दिल की तसल्ली भी जरूरी है। अब बेटा देखो वापस से इसके अंदर दो फंक्शन है, तुमने डिफरेंशिएशन फॉर्मूला डायरेक्ट इसका पढ़ा है साइन एक्स का, और इधर तो एक्स का स्क्वायर है, और साइन का स्क्वायर नहीं हो रहा, सिर्फ एक्स का स्क्वायर हो रहा है एंगल का। बहुत गंदी राइटिंग हो गई क्या, ये लो भाई कोई बात नहीं, दिल की बात तुम समझ जाया करो। अब बेटा देखो इसके अंदर दो फंक्शन है, पहला साइन एक्स, दूसरा है एक्स स्क्वायर। अगेन बेसिक है साइन एक्स, भाई ये ज्यादा मैटर कर रहा है साइन इसके अंदर, तो देखो इसकी डिफरेंशिएशन होती है कॉस एक्स, कॉस एक्स नहीं एंगल ही लिखोगे एक्स स्क्वायर, और इसकी डिफरेंशिएशन होती है 2x। ये सब मैं अगेन पिछली क्लास में, अब बोलोगे सर आप ये करके आ रहे हो समझ ही नहीं आ रहा, बेटा देखो पहले मैंने इसकी डिफरेंशिएशन करी लेकिन यहाँ एक्स नहीं था एक्स स्क्वायर था, ये मैंने लिख दिया। और चेन रूल में कितने भी फंक्शन हो अंदर के अंदर के अंदर मल्टीप्लाई उनके डेरिवेटिव को करते जाओ, 1 2 3 मल्टीप्लाई करते जाओ, सिंपल मैंने क्या करा मल्टी डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, इसकी डिफरेंशिएशन कर दी जो बचा हुआ था, और ये बना कैसे वही देखो, लेट से एफ एक्स इज इक्वल टू, अगेन मैं कह रहा हूँ लेट से कभी था साइन एक्स जी एक्स इज इक्वल टू, गलती से था एक्स स्क्वायर, तो कंपोजिट फंक्शन एफ ओ जी कितना होगा साइन एक्स स्क्वायर। कैसे आया सर आपको बताइए, मैंने f को लिखा इन टर्म्स ऑफ g, सिंपल, बहुत बढ़िया सर आपने तो पूरा ये आसान बना दिया हमारे लिए चेन रूल। अगेन cos ये थोड़ा अजीब है cos क्यूब x, तो चलो भैया करवा देते हैं इसके अंदर, पहले चलो मैं लिख देता हूँ cos क्यूब x। अब देखो एंगल का क्यूब नहीं हो रहा कॉस का क्यूब हो रहा है, तो एक्चुअली इसके अंदर बच्चे मेडिकल वाले थोड़े फंस जाते हैं, वैसे नॉन मेडिकल वाले बच्चे बिल्कुल चौड़े मत होना बेटा, तुम इतना डिटेल में 12th क्लास में ही पढ़ोगे, अगर तुम कंपटीशन वाले बच्चे हो जेई वगैरह के तो बात अलग है, अदरवाइज बोर्ड लेवल में तुम 12th में जाके पढ़ोगे, ये मत बोलना ये हम तो पढ़ लेंगे, अरे 11th में क्या फिजिक्स नहीं पढ़नी, पढ़नी तो अब भी है ना। हाँ अब बेटा देखो ये एक्चुअल में कभी ऐसे हुआ करा होगा, फिर तो मानते हो ना भाई, क्योंकि क्यूब कॉस का हो रहा है, इसका मतलब सर अब इसके फंक्शन आप ना नीचे लिख दो जितने भी हैं, पहला फंक्शन इसके अंदर है एक्स का क्यूब, क्योंकि देखो इसका होल क्यूब हो रहा है और एक्स मैं वेरिएबल का होल क्यूब कर दिया, और दूसरा फंक्शन होगा कॉस एक्स। ये थोड़ा ट्रिकी था बट हाँ आना चाहिए, एक काम कर दूं इसको मजेदार बना दूं ये बस टाइम पास के लिए थ्री लगाया मैंने। अब देखो सर मेन फंक्शन है ये, क्योंकि देखो क्यूब हो रहा है, हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, अब क्योंकि एंगल और पूरे फंक्शन का क्यूब होने में फर्क है, पहले लेट से अगर मैं यहां लिख देता पावर 4, एंगल बदल रहा है फंक्शन नहीं, और यहां तो मैंने पूरे फंक्शन का होल क्यूब कराया ना। हाँ अब देखो बच्चे इसकी क्या होती है 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर नहीं जिसका क्यूब हो रहा था ना उसका स्क्वायर, और नहीं पता देखो इसकी जो डिफरेंशिएशन होती है वो होती है 3x स्क्वायर। 3 आगे देखो, कई बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी वैसे तो देख लेना, पावर आगे चली जाके मल्टीप्लाई हो जाती है और एक पावर कम हो जाती है, तो बच्चे देखो इसका क्यूब हो रहा था तो इसका स्क्वायर करो, ठीक, मल्टीप्लाई बाय इसकी डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स,
तो आप लिख दो, देखो माइनस गया आगे, माइनस का 3 कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स, दिस इज द प्रॉपर आंसर। मजा आ रहा है ना क्लास में? ओके, डस्टर ले लेते हैं, रेनॉल्ट वाली। चलो जी नीचे लिख देता हूँ ना, ज़्यादा ही गंदी राइटिंग है मेरी लग रहा है मेरे को, भाई कमेंट करके बता देना इतना बुरा लग रहा हो। अब देखो बच्चे, इसके अंदर के फंक्शन गिनते हैं। पहले लिख दूँ log साइन x स्क्वायर का होल क्यूब। अब बोल, कई बच्चे बोलेंगे सर इसके अंदर तो बहुत सारे फंक्शन हैं। देखो पहला मेन log x, अगला साइन x, उसके अगला एक्स स्क्वायर, उसके अगला देखो साइन का क्यूब भी हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं एक्स क्यूब भी है। लेकिन देखो ये मैंने बस मजाक किया था बच्चों के साथ, एक्स क्यूब नहीं होगा। पता है क्यों नहीं होगा? उसका रीजन मैं बताता हूँ तुम बच्चों को, क्योंकि बेटा देखो लॉग में जो भी ये पावर होती है ना, ये आगे चली जाती है। तो सबसे पहले इसको सेट करो, तो ये होगा देखो 3 लॉग, ये बस मैंने इसलिए करवा दिया कि कई बच्चों को लॉग नहीं आते हो तो एक झलक मिल जाएगी। बाकी तुम्हारे अगर केमिस्ट्री टीचर अच्छे हुए तो ज़रूर करवा देंगे लॉग डिटेल में, ये मैं बता रहा हूँ भाई। अगर केमिस्ट्री टीचर तुम्हारे तगड़े हैं तो ज़रूर लॉग डिटेल में करवाएंगे। अब देखो भाई 3 लॉग, एक बार मैं भी चेक कर लूँ, 3 लॉग साइन एक्स स्क्वायर, 3 लॉग साइन एक्स स्क्वायर, हाँ जी सही है सर। अब आपने सर फंक्शन लिख के थे वो गलती से मैंने मिटा दिए। देखो 3 एक नंबर है, इसकी डिफ्रेंशिएशन तो क्या ही होगी, मल्टीप्लाई हो रहा है तो होने दो। लॉग एक्स की मैं बता देता हूँ, देखो लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/x। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, 1/x नहीं, ये पूरा का पूरा फंक्शन जो एक्स की जगह पर आ रहा है साइन एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखो लॉग एक्स की 1/x, तो लॉग एक्स की जगह जो आ रहा है उसको पूरा का पूरा लिख दो। ये तो बेचारा 3 तो चल ही रहा है, गरीब इंसान है। मल्टीप्लाई बाय, अब देखो साइन की डिफरेंशिएशन होती है कॉस, मल्टीप्लाई बाय इसकी जो लास्ट की डिफरेंशिएशन अगेन 2 आगे एक्स की पावर 1x। अब देखो बेटा ये तो तुक्के की बात थी, कॉस अपॉन में साइन, ये तुम्हें पता है कॉट होता है, और 3 × 2 = 6, तो ये आ जाएगा देखो 6x, और ये सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, डॉट कॉट एक्स स्क्वायर। हाँ मुश्किल तो नहीं था, पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो। और हाँ ओहो, होमवर्क तो मैंने दिया ही नहीं,